हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिजल्ट फाइनल स्टेज में है। काफ़ी हमारे पास में देखिए न्यूज़ कैंडिडेट्स भी देते रहते हैं कि रिजल्ट बनने वाला है। बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो अब अपनी तैयारी पे है, फाइनल स्टेज पे सारा काम है। अब इसमें देखिए एक पॉइंट जो है, जब आपने फॉर्म फिल किया था उस समय फॉर्म भरने में यदि आपने एक गलती कर दी थी तो यहाँ पर आपको बड़ा नुकसान उसका होने वाला है। क्या पॉइंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। अब ये आपकी वैकेंसी है और वैकेंसी जो बताया उसमें देखिए रिजर्वेशन किस प्रकार से है वो भी हम डिस्कस करते हैं इसमें। ये हमारा रिजर्वेशन है। अब इस ये जो पॉइंट है इससे देखिए जर्नल को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। इसको फ़र्क किस से पड़ेगा वो भी आपको बता देता हूँ कि ये पॉइंट यदि आपका है तो अभी भी आप इसको करेक्शन करवा सकते हैं। आप यहाँ पर ये करेक्शन से आप बच जाएंगे, लेकिन रिज़ल्ट आने के बाद आपको धोखा होगा कि ये क्या हो गया। और इसका एक्चुअली पता भी रिज़ल्ट आने के बाद चलेगा। कैसे चलेगा, देखिए ओबीसी की क्या वैकेंसी है वो हम बात करते हैं। यहाँ पे टेलर में देखिए दो वैकेंसी है ओबीसी की। अब ओबीसी में टेलर में मैं आपको बता दूँ कि दो कैंडिडेट जो हैं, सपोज कीजिए कि ये जो चार कैंडिडेट हैं, चार वैकेंसी ये लेना है। अब ओबीसी हो चाहे एससी एसटी कोई भी कैंडिडेट हो, उसने यदि एज रिलैक्सेशन नहीं लिया है तो वो यूआर में जा सकते हैं यदि उनके मार्क्स जो है वो यूआर के कट ऑफ से ज़्यादा है। अब ओबीसी में एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर का क्या पॉइंट है। अब कुछ हमारे साथियों को जिनको ये पॉइंट समझ आ गया, ओबीसी वालों को, उनको अभी ये पता चल गया कि ये तो गलती हो गई फॉर्म भरने में। फॉर्म आपने नहीं फिल किया था, फॉर्म किसने फिल किया, फॉर्म आपका जो कंप्यूटर ऑपरेटर था उसने फिल किया। 2017 में फॉर्म फिल हुआ था, उस समय यदि कंप्यूटर ऑपरेटर ने यदि इसमें सीएल पर उसने टिक कर दिया तो सीएल पर टिक करने का मतलब है कि आप ऑटोमेटिक यहां से यूआर में शिफ्ट हो जाएंगे। और यूआर में शिफ्ट हो जाएंगे यदि आपने छूट ले लिया था, आपने आयु सीमा का आपने छूट ले लिया था उस समय, तो अभी आप ये समझिए कि आपको जो अपना कट ऑफ है वो आप यदि टॉपर भी यदि उसमें होते हैं तो भी आपको मेरिट में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि एनसीएल जो है नॉन क्रीमी लेयर जो है उसी को ओबीसी का रिजर्वेशन मिलता है। जो हमारा ओबीसी का परफॉर्मा है उसको भी आप अच्छे से देखिए, उसमें भी ये बात साफ लिखी हुई है। और यदि उसमें वो क्लोज नहीं लिखा होता तो वो ओबीसी सर्टिफिकेट जो होता है आपका वो भी वैलिड नहीं होता है, क्योंकि इसमें तो कहीं नहीं लिखा हुआ है वैकेंसी में। जब वैकेंसी की ओबीसी का रिजर्वेशन किसको होगा, ओबीसी का रिजर्वेशन तो जो नॉन क्रीमी लेयर है एनसीएल उसी को है। हाँ, ओबीसी कोई होता है, ओबीसी सर्टिफिकेट बन सकता है, लेकिन सपोज कीजिए कि उसके गार्जियन की इनकम जो है वो एक छः महीने के दौरान, पिछले छः महीने के दौरान बढ़ जाती है, क्योंकि ओबीसी सर्टिफिकेट एक्चुअली छः महीने से बनता है। अब ये क्या होता है कि फोर्सेस में आपने अब 3 साल पुराना आपका सर्टिफिकेट चलता रहेगा, लेकिन नियमानुसार क्या होना चाहिए कि अभी जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उस समय आपको नॉन क्रीमी लेयर का ओबीसी सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना चाहिए। लेकिन आपने यदि ओबीसी क्रीमी लेयर पर आपने टिक कर दिया तो आप जर्नल में काउंट हो जाएंगे। इसकी वजह से बहुत सारे हमारे साथी जो है वो आउट हो जाएंगे। ये पॉइंट कुछ कैंडिडेट्स को जब पता चला तो उन्होंने हमसे इसके बारे में बात की, डिस्कस किया ये पॉइंट। और डिस्कस किया तो देखिए रिजल्ट आने से पहले आप इसका समाधान कर सकते हैं, रिजल्ट आने के बाद आपको पता चलेगा। देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं, सपोज कीजिए सफाई कर्मचारी जो है उसमें एक वैकेंसी है हमारी, फीमेल कैंडिडेट की हम बात करें तो फीमेल कैंडिडेट का सफाई कर्मचारी का एक वैकेंसी है। अब यहाँ पर कोई बहन जो है वो ओबीसी है, लेकिन उन्होंने फॉर्म भरते समय सपोज कीजिए कि उन्होंने क्रीमी लेयर जो था उसमें उनका टिक हो गया। अब ओबीसी क्रीमी लेयर का मतलब है ओबीसी सीएल जो है वो तो यूआर में काउंट होंगे। अब इन्होंने यदि एज रिलैक्सेशन यदि ले लिया है तो ये कहाँ चली जाएंगी, इन 3 वैकेंसी पर चली जाती हैं, लेकिन एज रिलैक्सेशन ले लिया तो ये सेलेक्ट नहीं होंगी। इनको भर्ती प्रक्रिया में कहाँ आउट किया जाएगा, जब इनके डॉक्यूमेंट्स होंगे उस समय ये आउट हो जाएंगे। और यदि आईटीबीपी ने रिजल्ट बनाते समय ये सॉफ्टवेयर में ये सब सॉल्यूशन कर लिया है तो वो पहले ही आउट हो जाएंगी। तो इससे बचने का देखिए एक ही रास्ता है कि आप अपने ओबीसी के जो आपका जो फॉर्म फिल किया था वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है उसमें आप चेक कीजिए कि कहीं आपने ओबीसी क्रीमी लेयर पर तो आपने टिक नहीं कर दिया है। यदि क्रीमी लेयर पर टिक कर दिया है तो आप उसका सॉल्यूशन करवाइए। उसके लिए आपको दरख्वास्त लगाना होगा, रिप्रेजेंट उसको करना होगा। कुछ साथियों ने रिप्रेजेंट किया
कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने फिजिकल जब किया था उस समय उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया था तो उनका सॉल्यूशन हो गया। तो आप रिप्रेजेंट करेंगे उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, यदि रिप्रेजेंट भी आप नहीं करेंगे सॉल्यूशन नहीं होता है, रिजल्ट आने के बाद में आपको धोखा होता है कि मुझे तो 80 बन रहा था और यू आर का जो कट ऑफ है वो तो जो है 84 बन रहा है, ओबीसी का कट ऑफ जो है वो 78 ही बन रहा है, मैं ओबीसी हूँ लेकिन मुझे ओबीसी में क्यों शामिल नहीं किया गया। तो उसकी वजह यह होगी कि आप क्रीमी लेयर ओबीसी हैं तो क्रीमी लेयर ओबीसी को ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अब देखिए आपको जो अपना सर्टिफिकेट है ओबीसी का वो दिखा देते हैं, ये सर्टिफिकेट थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है लेकिन ये जो साइट है जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट का जो साइट है उससे हमने ये सर्टिफिकेट लिया है। अब यहाँ पर देखिए NCL फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाई अदर बैकवर्ड क्लासेस NCL नॉन क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर होगा तभी OBC का फ़ायदा मिलेगा अन्यथा नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन तभी मिलेगा। अब इसमें पूरा डिटेल दिया है और यहाँ पर दिस इज ऑल्सो टू सर्टिफाई दैट ही शी डज नॉट बिलोंग टू द पर्सन सेक्शंस क्रीमी लेयर mentioned in column number 3 of the schedule of government of india department of personnel and training। usme ye number bhi dekh lena, ye number aap mila lena hai, ye 36012 wala, kyunki ye number ki wajah se bhi ek bar crpf ki bharti mein ye jo 36012 tha is number ki wajah se bhi kuch candidates out ho gaye the, to ye depend karta hai force to force, lekin ye aisa point hota hai ki is par wo candidates jo the wo represent unhone kya represent kiya unka solution ho gaya, क्योंकि ये आपको नहीं पता होता है, आप जाते हैं सर्टिफिकेट बनवाना है, सर्टिफिकेट का जो प्रोफॉर्मा है वो जो टाइपिस्ट होता है उसके पास में पहले से ऑलरेडी मौजूद होता है, वो वहाँ से आपको प्रोफॉर्मा दे देता है आप। और अभी तो मैक्सिमम स्टेट्स में क्या होता है कि ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनते हैं, ओबीसी सर्टिफिकेट चाहे अपना डोमिसाइल सब कुछ ऑनलाइन बनता है। तो दोस्तों यदि क्रीमी लेयर और NCL वाला यदि आपका पॉइंट रहा है, अब क्रीमी लेयर NCL में मैं आपको एक बात और बता दूँ कि सपोज कीजिए कि आपने जब फॉर्म फिल किया था उस समय आपके जो क्रीमी लेयर थे आप, यानी कि आपको जो क्रीमी लेयर है उसका क्राइटेरिया है, इनकम का क्राइटेरिया है कि गार्जियन की आय जो है वो एक निश्चित लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो वो क्रीमी लेयर है, उससे कम आय रहती है तो नॉन क्रीमी लेयर है। आप ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं, जो हमारे गजटेड अफसर होते हैं उनके बच्चों के ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बनते हैं क्योंकि वो क्रीमी लेयर में काउंट हो जाते हैं, क्योंकि आपको गार्जियन का इनकम का आपको प्रूफ देना होगा। तो ये पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट है, इसमें बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं कि जिन्होंने ये गलती उस समय कर दी थी, अब तक भी आपने नहीं देखा है, अब आप इसको चेक कीजिए कि यदि आपने CL कर दिया है और आपका OBC सर्टिफिकेट जो है उस वो ये है नॉन क्रीमी लेयर वाला, तो अब आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, आपको ITBP DG को रिप्रेजेंट करना होगा, मुख्यालय में रिप्रेजेंटेशन देना होगा, अन्यथा आपके साथ में सारी मेहनत जो है आपकी बेकार हो जाएगी। और इसमें कुछ हमारे साथी वो हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, अब उनके साथ यदि ये धोखा हो जाएगा तो देखिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, और रिजल्ट आने के बाद यदि आप रिप्रेजेंट करेंगे तो तब तक रिजल्ट आ चुका है, आप सेलेक्ट होने थे लेकिन आपकी जगह कोई दूसरा आपका साथी सेलेक्ट इस वजह से हो गया कि आपका जो डॉक्यूमेंट जो है वो सही नहीं था, आप इस वजह से आप ओबीसी में काउंट नहीं हो सके, आप जर्नल में चले गए और जर्नल की कट ऑफ जो है वो आपके मार्क्स से ऊपर है, तो जो सेलेक्ट हो गया उस समय वो भी दावा कर देगा। उसके बाद जब ये मैटर कोर्ट में जाता है तो वहाँ पर आपकी जो अज्ञानता है वो आपके खिलाफ जाएगी, और यदि आप अभी रिप्रेजेंट इसको कर देते हैं तो यहाँ पर यदि ये सॉल्यूशन नहीं होता, देखिए वैसे तो रिप्रेजेंट आप करते हैं तो इसका 100% सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन हो सकता है इस दौरान रिजल्ट निकल जाए तो आपका पक्ष मजबूत रहेगा कि आपने रिप्रेजेंट कर दिया था, आपको जब ये बात समझ आई आपको नहीं पता था, फॉर्म आपने कंप्यूटर ऑपरेटर से फिल करवाया था, तो उसके बाद यदि आप कोर्ट में भी आप जाते हैं तो वहाँ पर आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए बार बार हम लोग कोर्ट की बात करते हैं तो बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं कि जो इसको हमारे खिलाफ ले लेते हैं,
बड़ी आलोचना हमारी करने लगते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये कोर्ट की बात, हम हक की बात करते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखा है कि जो मैं आपको CRPF का पॉइंट बता रहा हूँ, इसकी वजह से बहुत अच्छे मार्क्स थे। ये पॉइंट जो है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती में CRPF में एक बार ये क्लोज लग गया था और उसकी वजह से रिप्रेजेंट नहीं किया, वो साथ ही बहुत अच्छे मार्क्स होते हुए भी, बहुत टाइपिंग की अच्छी तैयारी होते हुए भी भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए थे। तो ये पॉइंट यदि आपका है क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का, तो आप उसको चेक कीजिए। विशेष रूप से हमारे OBC के जो साथी हैं, SC ST में ये क्रीमी लेयर का कॉलम नहीं होता है, तो आप इसको चेक कीजिए और यदि वाकई ये प्रॉब्लम हो गई है तो समय रहते आप इसको रिप्रेजेंट कीजिए ताकि ये सॉल्यूशन हो सके और आप वर्दी पा सकें। जय हिंद।